1932 इटालियन स्टीपा कैप्रोनी ने सबसे पहला सक्सेसफुल उड़ान भरने वाला प्लेन बनाया। इसे बनाने के लिए कैप्रोनी ने एक जियान ट्यूब को काटा और इसके सेंटर में जर्मनी मेड V1 रॉकेट इंजन लगा दिया। इस इंजन के रोटर पर प्रोपेलर लगाया जिससे ये प्लेन 131 किलोमीटर पर आर की स्पीड से टेक ऑफ और 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से लैंडिंग कर सकता था। इसे ऑपरेट करने के लिए इसके टॉप पर 2 या 3 पायलट रहते थे। ये प्लेन अपने टाइम का सबसे स्टेबल प्लेन था और आज के मॉडर्न जेट और टर्बोफैन इंजन इसी के आधार पर बने हैं। अब आपसे एक सवाल, प्लेन कितनी हाइट तक उड़ान भर सकते हैं?